कि पाकिस्तान इंडिया मैच हो तो सबसे बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली एक प्रेशर का होता है, ये अब इस्टेब्लिश हो चुकी है बात, लेकिन खिलाड़ियों की फॉर्म भी बहुत अहम होती है। इंडियन टीम को ऑब्वियसली देखते हुए आपको कौन से खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहे हैं, मतलब क्या आपकी परसेप्शन? भाई क्या कमबैक किया मोहम्मद शमी ने, कमाल। मतलब लेकिन जो शमी ने आखिरी ओवर कराया, एक चीज तो साबित होगी कि इस वर्ल्ड कप में यू नीड पेस, सेकंड यॉर्कर्स स्टिल द वे टू गो। अगर आपके पास पेस है और अगर जिस तरह शमी ने बिल्कुल एक्यूरेट यॉर्कर्स मारे हैं बेस ऑफ द स्टंप्स पे, ये दो चीजें अगर आप कर लें तो आप इवन दैट ओवर्स में इस वर्ल्ड कप में कामयाब हो सकते हैं। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर कराया है शमी ने लास्ट ओवर, मतलब 3 विकेटे ले गया और आखिरी 4 बॉलों पे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में 4 विकेटें गिरी यार। बाबर जब कप्तान बने तो पाकिस्तान T20 में नंबर वन था, अब सिर्फ बाबर नंबर वन है T20 में, पाकिस्तान नहीं है T20 आ जाएगा ना पाकिस्तान, ठीक है। तो जब तक आप बहादुरी नहीं दिखाएंगे, जब तक आप हार की डर से बाहर नहीं आएंगे, आप इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहेंगे और आप छोटी टीम्स के खिलाफ तालियां बजवाते रहेंगे, तो मेरे पास तो फालतू तालियां नहीं है भाई। मैं हमेशा मुकाबले पे तालियां बजाता हूं, मुकाबला कड़क मुकाबला संडे को है, बिल्कुल बजाऊंगा तालियां। पाकिस्तान इस परफॉर्मेंस पे इंडिया से नहीं जीत सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो चुका है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलेगा। इससे पहले भारत को 2 वार्म अप मैच खेलने हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक शानदार शुरुआत की है। इस वार्म अप मैच में भारत ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि वार्म अप मैचों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, भारत के पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वार्म अप मैच को लेकर क्या कहा है। 2020 बाबर आजम स्ट्राइक रेट 119 पावर प्ले, 2021 बाबर आजम स्ट्राइक रेट पावर प्ले 110, 2022 बाबर आजम पावर प्ले 107। अब बताइए क्या मैं ये भी ना बताऊं क्या? इंडिया जो है वो अपने बेंच प्लेयरों को भी चेक करता रहता है कि कहीं जरूरत पड़ गई। अब ये देखे ना, एकदम जडेजा चला गया तो उनको पता है कि हमारा बेंच प्लेयर है, कि इंडियन चांस ले लेता है। सही, हम चांस नहीं लेते, हम डर रहे हो। बास का तंडे प्रेशर आ जाते हैं कि जी कोहली नहीं है तो जी रोहित को आपने बॉलिंग करनी है, तो आप खौफ में भी थोड़े से आ जाते हैं बड़े नामों के। लोगों को बुरा लगेगा लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हमारा मिडल ऑर्डर है। ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोगों को तकलीफ देता है, लेकिन ये कड़वा सच है कि मिडल ऑर्डर के नाम पर आपने जो है वो मेरिट की धज्जियां उड़ाई हुई हैं और उसका नतीजा जो है वो आपको खुमियादे की सूरत में भुगतना। इंडिया पाकिस्तान मैच शायद एक्साइटमेंट की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बहुत कम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इंडिया आपको पता है बायलेटरल्स में अवॉइड करता है हमारे साथ खेलना, तो ये जो वर्ल्ड इवेंट होते हैं इसमें भी पता नहीं कोई साजिश की जाती है क्या की जाती है कि अगर 2 टीमों का भी ये ग्रुप बनेगा तो वो इंडिया और पाकिस्तान ही होंगे उसमें, तो ये कम अज़ कम इस बहाने में ये मैच मिल जाता है। लेकिन वही साहब जो भी हम प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं और ये कि लाइक जो पिछली 1-2 मीटिंग्स इंडिया के साथ हमारी हुई हैं, इंडिया स्टार्ट्स एज फेवरेट। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन टीम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप 2022 में फेवरेट कंटेंडर के रूप में उतर रहा है और पहले वार्म अप मैच में उसने प्रूव भी कर दिया। उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उसी के होम ग्राउंड में हरा कर ये बता दिया है कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना ईजी नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम इस बार फिर से फेवरेट के रूप में उतरेगी। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत में कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जैसे कि सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जो किसी वक्त मैच को पलट कर रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम को फेवरेट करा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि बाकी टीमों के मुकाबले इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इंडिया केवल एकमात्र ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।